उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का सबसे पॉश इलाका हजरतगंज से सटा नरही बुधवार देर शाम गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी, जिसने लोगों को दहला कर रख दिया और अफरा तफरी मच गई। दरअसल भरे बाजार, खुले आम बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने एक दुकानदार मालिक पर गोलियां बरसा दी। गोलीकांड से बाजार में अफरा तफरी मच गई और लोग दुकानें बंद करने लगे और अपनी जान बचाकर भागने लगे। बाद में जख्मी दुकानदार को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज किया गया। जानकारी के मुताबिक प्रमोद गुप्ता अपनी दुकान बंद कर घर जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी एक शख्स अपने साथी के साथ आता है और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगता है। इसमें प्रमोद गुप्ता को दो गोलियां लग जाती है। वहीं फायरिंग की आवाज़ सुन वहाँ भगदड़ मच जाती है और इसके बाद लोग प्रमोद गुप्ता को अस्पताल ले जाते हैं। वहीं खबर मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंच जाती है और पूरे इलाके को सील कर मामले की जांच में जुट जाती है। और तो और पुलिस कुछ ही घंटों में आरोपी का खुलासा भी कर देती है। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज में प्रमोद गुप्ता पर गोली चलाने वाला शख्स उसका पड़ोसी ही बताया जा रहा है और इस मामले के तार प्रेम प्रसंग के मामले से जुड़े होने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि इस मामले पर अभी कुछ जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है। नरही थाना हजरतगंज में एक घटना घटित हुई, जिसमें प्रमोद गुप्ता नामक व्यक्ति, जो कि मोबाइल की दुकान चलाते थे, उनको उनके दुकान के सामने अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गोली मार दी गई और जो मजरूब है प्रमोद गुप्ता, उनका इलाज ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। और इस घटना के संबंध में हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज और आसपास के लोगों से जब जानकारी प्राप्त की, तो फुटेज के आधार पर जो अज्ञात अभियुक्त है उसकी पहचान कर ली गई है और अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु कई टीम रवाना है। शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी की जाएगी और इस घटना के पीछे जो कारण है वह प्रथम दृष्टया प्रेम प्रसंग का प्रतीत होता है। वहीं इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने पूछा है कि तमंचे की आपूर्ति कहां से हो रही है। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि फर्जी एनकाउंटर वाली सरकार ये बताए कि तमंचे की आपूर्ति कहां से हो रही है, जो गोलीबारी की घटना के रूप में मुख्यमंत्री के आवास के पास तक पहुँच गयी है। बता दें कि जहां इस वारदात को अंजाम दिया गया है, वहाँ से कुछ ही दूरी पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी का आवास और उसके पास ही प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी आवास है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर जब इतने पॉश इलाके सुरक्षित नहीं है, तो बाकी इलाकों की क्या हालत होगी।